जय दोस्तों, यूपीएससी ने यूपीएससी ईपीएफओ का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसका मैसेज आपको मिला होगा एक दिन पहले। अगर अभी आपको मैसेज नहीं मिला है तो मिल जाएगा। आप ईमेल में चेक करेंगे या फिर मैसेज बॉक्स में, आज आपके मैसेज आया हुआ है। ईमेल में हमारे कल ही आ गया था। चलिए डाउनलोड करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप upsconline.nic.in पर आएंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे, या फिर upsc.gov.in किसी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर यानी ईओ, एओ एंड फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये सारी पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आपको टू डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक हियर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नीचे सीधे आएंगे, आपको यहाँ पे एस पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बाई रजिस्ट्रेशन आईडी, बाई रोल नंबर, दो ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, चूँकि अभी रोल नंबर आपको मिला नहीं है, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी भी कर सकते हैं। इसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल यहाँ पे मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इतना चीज़ डालना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। इतना कर देंगे कि आपके मैसेज में रजिस्ट्रेशन आईडी भेज दी जाएगी। उसके बाद फिर आप बैक आएंगे और वही लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे जैसे हमने बताया हुआ है, और यहाँ बाई रजिस्ट्रेशन आईडी करके फिर रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा ये पोस्ट दिखा रहा है, सेंटर केंद्र इलाहाबाद है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा की तिथि दिखा रहा है 2 जुलाई 2023। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको आपको पढ़ लेना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन साथ लाएँ, यानी कि आपको यहाँ पर ब्लैक पेन लेके जाना है। ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक सुरक्षित रखना है। ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, फोटो पहचान पत्र ओरिजिनल लेके जाना है, जिस पर आपका इस पर क्रमांक ऊपर अंकित है, यानी जो आपने फॉर्म में डाला हुआ है आईडी के रूप में, उसी आईडी को आपको लेके जाना है, और साथ में पेन लेके जाना है। और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है उम्मीदवार को मास्क, फेस मास्क लेके जाना है, तथा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा। और यहाँ पे सैनिटाइजर भी आप ले जा सकते हैं, कोविड लाइन का है तो कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी है। अब यहाँ देखिए, उम्मीदवार परीक्षा स्थल के भीतर सामान अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बताया हुआ है, सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, यानी आप नॉर्मल क्लॉक पहन सकते हैं, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियां जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया, यानी स्मार्ट घड़ी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ क्लियर विजुअल है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपको फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं ले जाना है, बस इतना ही है। भर्ती प्रक्रिया में द्वारा अंकित गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान होगा, उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही अंकित किए जाने हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ब्लैक पेन ही लेके जाना है, नीली पेन अलाउ नहीं होगी, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है। परीक्षा आपकी दो पाली में हो रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईओ या एओ सामान्य की योग्यता परीक्षण, जहाँ जनरल एबिलिटी टेस्ट 9:30 से 11:30 बजे के बीच होगा, सेम सेंटर है। उसके बाद दूसरा एग्जाम 2 से 4 बजे के बीच होगा, जिसमें APFC जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। upsc.gov.in यहाँ पे जाएंगे तो आप नीचे आएंगे, एडमिट कार्ड सेक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर वेरियस पोस्ट, फिर यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड का। फिलहाल इसका लिंक आपको हम डायरेक्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पाने के लिए। तब के लिए बाय, टेक केयर से, वंदे मातरम।